मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम वाटर डेवलपमेंट के अलग अलग चैप्टर्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज के मेरे इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट्स ऑफ वाटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक विकास या शारीरिक कौशल के निर्धारक के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं और किस तरह से बालक के विकास को ये कारक प्रभावित करते हैं, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट हमारा है पुअर फिजिकल कंडीशन, दुर्बल शारीरिक अवस्था। यानी इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें पुअर फिजिकल कंडीशन, बॉडी बिल्डिंग, डिजीज, न्यूट्रिशन, हैम्परिंग क्लोथ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटेलिजेंस, फियर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मसल कंट्रोल, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, प्रैक्टिस एंड गाइडेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड प्रोसीजर्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पुअर फिजिकल कंडीशन या दुर्बल शारीरिक अवस्था। यानी जिन बालकों का जैसे किस तरह की शारीरिक अवस्था है, ये गत्यात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी यदि बालक शारीरिक रूप से दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा, तो उसका शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास दुर्बल होगा। जैसे वो उठना, बैठना, चलना, दौड़ना देर से प्रारंभ करेगा। यदि हेल्दी है यानी स्वस्थ है, तो उसका मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें सीखने की इच्छा शक्ति भी हेल्दी होगा तो ज़्यादा होगा। और कौशलों में जो उत्तेजना है वो हेल्दी बच्चों में अधिक होती है, वो दुर्बल बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। सेकंड हमारा है बॉडी बिल्डिंग, शरीर रचना। जिन बच्चों की हड्डियाँ छोटी, पतली या मांसपेशियाँ सुविकसित होती हैं, वे भारी शरीर वाले बच्चों की अपेक्षा जल्दी चलना सीखते हैं और उनका क्रियात्मक विकास ज़्यादा अच्छा होता है। और एक और जो चीज़ महत्वपूर्ण है कि क्रियात्मक विकास सामान्य ढंग से चलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि बालक के शारीरिक अंगों का जो अनुपात है वो सामान्य हो। जिन बच्चों का सिर बड़ा, हाथ पैर पतले होते हैं, उनका क्रियात्मक विकास सामान्य बच्चों की अपेक्षा देर से होता है, क्योंकि उन्हें संतुलन में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है डिजीज़, बीमारी। क्रियात्मक योग्यताएं बीमारियों से भी प्रभावित होती हैं। जो बच्चे अधिक बीमार रहते हैं उनको सीखने के अवसर कम मिल पाते हैं और इसके कारण से वो अभ्यास नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वो गत्यात्मक विकास में पिछड़ जाते हैं और बीमारियां जो होती हैं गत्यात्मक कौशल सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। एक और जो चीज़ इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि जिनके पुअर हेल्थ कंडीशन होती है उनका जो विकासात्मक कार्य जो होते हैं वो भी देर से अचीव करते हैं, और क्योंकि बीमार रहने के कारण से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनकी लर्निंग नहीं होती, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन, आहार या पोषण। क्रियात्मक विकास के लिए पोषण भी बहुत आवश्यक होता है। बालक को जो है उसकी उम्र के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार जो है हेल्दी और पौष्टिक आहार मिलना आवश्यक है, और वो आहार जिसमें सभी संतुलित आहार यानी जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उसमें उपलब्ध हों वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि पौष्टिक और संतुलित आहार होगा तो उसकी मांसपेशियां अधिक अच्छे से विकसित होती हैं, और मांसपेशियां अधिक अच्छे से विकसित होंगी तो उनमें क्रियात्मक विकास होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि पौष्टिक आहार यदि नहीं मिल रहा है तो उसकी मांसपेशियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा और क्रियात्मक योग्यताएं भी नहीं विकसित हो पाएंगी। नेक्स्ट है हैम्परिंग क्लोथ। हैम्परिंग क्लोथ का मतलब होता है कसे वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना। यानी जिन घरों में या जिन बच्चों को अधिक टाइट वस्त्र पहनाए जाते हैं, टाइट मीन्स जो उसका साइज है उसे छोटे साइज के, तो उसके कारण से भी उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों को इस तरह का जो है इस तरह के वस्त्र पहनाने चाहिए जो उसकी शारीरिक गतिविधियों में बाधा न उत्पन्न करे, बल्कि उनको ढीले वस्त्र पहनाने चाहिए और जिससे वो वस्तुओं को पकड़ने, बॉडी को मूवमेंट करने में उनको आसानी रहे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व संबंधी शील गुण।
शील गुण भी व्यक्तित्व या क्रियात्मक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। जिन बालकों में जैसे लज्जा, कायरता या डिपेंडेंसी होती है, वे चुप बैठने वाले होते हैं और वो दूसरे बच्चों के साथ में खेलना पसंद नहीं करते या खेलते समय बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं तो, और दूसरे बच्चों से मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, इस कारण से उनका जो है अभ्यास नहीं हो पाता है और इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे साइकिल चलाना है या कोई भी और कौशल सीखना है तो वो क्या होगा, अकेले रह जाएंगे और दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करते तो वो अपने आप को अकेला आइसोलेटेड फील करते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, तो इसके कारण से वो उनमें जो है क्रियात्मक योग्यताएं अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है बुद्धि या इंटेलिजेंस, यानी वे जो कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें क्रियात्मक योग्यताओं का विकास देर से होता है, जैसे देर से उठना, बैठना, चलना सीखेंगे, लेकिन जिन बच्चों का आईक्यू अधिक होता है वो क्रियात्मक योग्यताएं शीघ्रता से विकसित कर लेते हैं। और किशोरावस्था में क्रियात्मक योग्यताओं का निष्पादन में बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी ज़्यादातर अध्ययनों में ये पाया गया है कि जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं उनको प्रशिक्षण अधिक देना पड़ता है, अभ्यास अधिक कराना पड़ता है और उनकी लर्निंग उस कारण से देर से होती है, जबकि जो आईक्यू जिनका हाई होता है उनको अभ्यास और प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता और इसके कारण, लेकिन वो उस टास्क को, उस कौशल को बहुत शीघ्रता से सीख लेते हैं। नेक्स्ट है फियर, जैसे पेड़ पे चढ़ना, पेड़ से उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, ये सब ऐसे शारीरिक कौशल होते हैं जिन्हें बच्चों को सीखना होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं डर के मारे, कुछ जैसे साइकिल चलाना है, ट्राई साइकिल चलाना है, सीसा पे झूलना है, तो वो डर के मारे उस टास्क को नहीं कर पाते हैं तो उसमें वो कौशल विकसित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मसल्स कंट्रोल, जैसे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मांसपेशी नियंत्रण के विकास के अवसर का अभाव, यानी कई बार क्या होता है कुछ माता पिता अपने बच्चे को गोद में रखते हैं और उन्हें ज़मीन पे नहीं उतारते हैं, उन्हें डर रहता है कि यदि बच्चे को उतारेंगे तो कहीं लग जाएगी, लेकिन इससे क्या हो रहा है उनकी मांसपेशी विकास जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो उनको अवसर नहीं मिल पाता है, ज़मीन पर चलना, खिसकना, लुढ़कना, रेंगने का अवसर नहीं मिल पाता है और उनकी जो मांसपेशियाँ हैं उनका मूवमेंट नहीं हो पाता है, इससे जो शारीरिक योग्यताओं का विकास भी देर से होता है। तो यदि हम बच्चे को अवसर दे रहे हैं, यानी उसको ज़मीन पर छोड़ रहे हैं, गोद में नहीं उठा रहे हैं, उसको फ्री स्पेस दे रहे हैं तो उसकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, यानी सीखने के अवसर में कमी, यानी बच्चे को का शारीरिक कौशल का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि कितना सीखने का अवसर उसको प्राप्त हो रहा है, और यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में साधन और स्थान का यदि अभाव है तो वो शारीरिक कौशल से वो वंचित रह जाते हैं, और कुछ बच्चों को अभिभावक जो होते हैं समय पर वो साधन उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं और जब उनकी अधिक आयु हो जाती है तो उसे उस टास्क को, उस कौशल को सीखने में शर्म आती है, इसलिए ज़रूरी है कि उस उम्र में पर्टिकुलर टाइम में बच्चे को वो टास्क या कार्य सीखने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव्स या प्रोत्साहन का अभाव, यानी इस पे प्रोत्साहन का अभाव क्या होता है, यानी बच्चे जो होते हैं जब भी कोई काम सीख रहे होते हैं उनको प्रोत्साहित करना जरूरी, प्रोत्साहन का मतलब होता है जैसे वो दो कदम चला तो हम उसको चीयर अप करेंगे कि वाह बहुत अच्छा काम किया, उसने ट्रायल साइकिल का एक सर्कल साइकिल लगाया, कुछ पैडल चला के, तो यदि हम उसको जो है प्रोत्साहित करते हैं तो उस काम को करने के लिए वो ज़्यादा काम लालायित रहते हैं, लेकिन कई बार यदि हमने उसको कहा अरे तुमने अच्छे से नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम तो इस तरह से होता है, तो उसमें क्या होता है प्रोत्साहन का अभाव हो जाता है और वो उस काम को देर से सीख पाते हैं, और प्रोत्साहन ज़्यादातर उसको पहले अपने मदर और फादर से मिलता है, फिर फैमिली मेम्बर से मिलता है और बाद में उनको जो केयर टेकर होते हैं उनसे मिलता है, प्रोत्साहन एक प्रेरणा का काम करता है और उससे लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है अभ्यास और निर्देशन, यानी क्रियात्मक योग्यताओं के विकास में अभ्यास और गाइडेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसी भी प्रकार के कौशल विकास के लिए अभ्यास की मात्रा, आवृत्ति की
अपेक्षा अभ्यास की क्वालिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी अच्छे से कौशल को सीखने के लिए माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, बालक को किस तरह से जो है उसको अभ्यास करा रहे हैं, किस तरह से उसको गाइडेंस दे रहे हैं, उससे उसकी कौशलों की विशेषता, गुणवत्ता और कौन कौन से छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनसे वो उस चीज़ को आसानी से सीख सकता है, तो उससे उसका जो है कौशल वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, उसमें पूर्णता आएगी, दक्षता आएगी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले। यानी बालक क्या होता है, जब मोटर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो मोटर डेवलपमेंट में खेल प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि खेल के माध्यम से क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है और बालक जो है खेल के द्वारा आसानी से प्ले वे मेथड से जो है अपने स्किल्स को सीखता है, यानी खेल कर, और वो खेल जो है अकेला भी खेल सकता है, पैरेलल प्ले हो सकता है, आइसोलेटेड प्ले हो सकता है, ग्रुप में प्ले हो सकता है। और कोई भी बच्चा जब खेल खेलता है तो वो अपनी पसंद और इच्छा के अनुसार खेलता है और ये जो है क्रियात्मक योग्यताओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बच्चे अपने हाथों से बटन बंद करना, खोलना और जूते पहनना, जूते की लेस बांधना, ये भी प्ले वे मेथड से ही सीखता है। और 3 वर्ष की अवस्था में पहुंचकर खेल के साथियों को अधिक महत्व देने लगता है, लेकिन विकास प्रक्रिया का निर्देशन खेल के द्वारा हम कर सकते हैं और खेल के द्वारा जो है संपूर्ण क्रियात्मक योग्यताएं बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का महत्व, जो मैंने अभी लास्ट मेरे उसमें बताया है कि जितना क्रियात्मक योग्यताओं के लिए जितना ज़्यादा अभ्यास कराया जाएगा उतने ही अच्छे से मांसपेशीय क्रियाएँ जो हैं वो बहुत अच्छे से विकसित होंगी। और स्वसंचालित जब एक्टिविटीज़ बालक करता है तो उसकी गति और लय में अच्छे से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल, क्रियात्मक विकास में लक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य के द्वारा सीखने वाला अच्छे कौशल का विकास कर सकता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और लक्ष्य निर्धारण की योग्यता जो होती है ये जो होती है कई बार हेरिडिटी से होती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है, कुछ होती है हम अनुभव से हमारा ये सब डिसाइड करते हैं और इससे भी क्रियात्मक योग्यताएं बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोसीजर, यानी जब बालक को प्रक्रिया का ज्ञान होता है तो उस समय क्रियात्मक योग्यताएं बहुत अच्छे से विकसित होती हैं, और यदि कहीं पे उसकी नॉलेज में कमी रह जाती है तो वो उसका क्रियात्मक विकास जो है वो सीमित हो जाता है। और प्रक्रिया यानी क्या प्रोसीजर है वो हमेशा सीधा ब्रेन से रिलेटेड रहता है, उसे कौन सा और कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट करना है ये उसकी जो है मेंटल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे बालक मैच्योर होता जाता है और वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, घबराता नहीं है और उचित प्रकार से वो अपना मोटर डेवलपमेंट कर पाता है। इस तरह से बहुत सारे कारक हैं जो बालक के मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं और ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बालक के गत्यात्मक विकास को इफेक्टेड करते हैं। थैंक यू।